हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसानी से तथा आसान भाषा के अंदर सरल करेंगे। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1+x² dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तथा e की पावर x का समाकलन वापस e की पावर x ही होगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे तथा माइनस 1 घटा देंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 गुणा e की पावर x बटा 1 प्लस x स्क्वायर dx। फिर हम इसमें अलग अलग भाग दे देंगे, तो मैंने ये लिख दिया इंटीग्रेशन x प्लस 1 e की पावर x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ से देखो x प्लस 1 से ये एक घात कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन डीएक्स। अब हमने इसमें आईलेट से इसको सरल करेंगे, तो फर्स्ट तो मैंने मान लिया 1 अपॉन एक्स को और सेकंड मान लिया e की पावर एक्स को। तो देखो फर्स्ट को मैंने ऐसे ही रखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सेकंड का समाकलन e की पावर एक्स डीएक्स का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का मैंने कर दिया अवकलन, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का समाकलन मतलब e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होगा e की पावर एक्स डीएक्स माइनस ये पद मैंने ऐसे ही रखा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखो e की पावर x का समाकलन वापस e की पावर x ही होगा, तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस x और ये माइनस ये हो गया प्लस समाकलन e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx माइनस समाकलन e की पावर x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।